पांच राज्यों में करारी शिकस्त के बाद गांधी वाड्रा परिवार संकटों में घिर गया है। बात इतनी बढ़ गई कि कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे गांधी परिवार से इस्तीफे की मांग कर डाली। कांग्रेस में जारी सत्ता संघर्ष के बीच कोई दूसरी पार्टी गांधी परिवार के बचाव में अब तक सामने नहीं आया, लेकिन शिवसेना सामने आई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गांधी परिवार का बचाव करते हुए कपिल सिब्बल सहित G23 के नेताओं को सड़ा आम करार दिया। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ G23 धड़े के नेताओं ने एक बार फिर मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में लिखा कि गांधी नेतृत्व छोड़ें यह ठीक, लेकिन कांग्रेस तो आगे ले जाने वाला, जीत दिलाने वाला नेता कपिल सिब्बल के G23 गुट में है क्या? कांग्रेस की थाली और कटोरी में खा पी कर कई बार डकार लेकर स्वस्थ हुए नेता G23 में है और कांग्रेस की पराजय पर वे विलाप कर रहे हैं। इनमें से कितने नेता पांच राज्यों के चुनाव में जमीन पर उतरे थे, कितनों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रचार में खुद को झोंक दिया था? शिवसेना ने आगे लिखा है कि गुलाम नबी, कपिल सिब्बल और 23 कैडेट के नेता पारिवारिक भागदौड़ में एंजॉय कर रहे थे और मन ही मन कांग्रेस की असफलता की मनोकामना कर रहे थे। G23 का समूह सड़ा हुआ आम है। सामना में लिखे अपने लेख में शिवसेना ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो युवाओं में एक नई गति और नया विचार पैदा करे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता नहीं रहे। चुनाव लड़ने के कौशल और प्रबंधन के मामले में कांग्रेस में सूखा पड़ गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने फिर से हरीश रावत जैसे पुराने नेताओं को बागडोर सौंपकर भाजपा को आगे के लिए गति दे दी। अमरिंदर ने सीधे भाजपा से हाथ मिला लिया, लेकिन अमरिंदर को मनाने के लिए G23 के कितने लोग आगे आए? गोवा में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के पैर जमीन पर नहीं थे। कांग्रेस पार्टी का संगठन जर्जर हो चुका है। जनता को पार्टी के प्रति आकर्षण महसूस हो, ऐसा कुछ भी नया नहीं हो रहा है। शिवसेना के मुताबिक केवल गांधी परिवार ही एकमात्र बल स्थान नहीं रह गया है। कांग्रेस की जड़ें सूख गई हैं और वृक्ष पत्ताविहीन हो गए हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी आज भी परंपराओं की श्रृंखलाओं और पुरानी जटिलताओं में अटकी हुई है। पत्ते अंकुरित हों, बाहर आएं और वातावरण ताजा हो, ऐसा किसी को मन से लगता है तो वृक्षों की पूरी छटाई कर नया बागीचा तैयार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।